हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन में किस तरीके से जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं और इसमें यूट्यूब चला सकते हैं और इसमें फेसबुक चला सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, तो कैसे करना है सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। और गाइस, इसका जो चार्ज है, इसका कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है, सब कुछ रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक बनाए रहना। सो मिनट टाइम का मैं आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जियो फोन की। ये जियो फोन जो है आप लोगों को 1000 रुपीज़ में मिल जाता है 999। और अगर आपके पास पहले से ही सिम कार्ड है तो आप लोगों को 123 रुपीज़ का रिचार्ज करना होगा, तब जाकर ये मोबाइल काम करेगा। अगर आप लोग 152 या फिर 75 या फिर 91 रिचार्ज करते हैं तो आप लोगों का जो सिम जो है बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके लिए आप लोगों को 123 रुपीज़ का जो एक रिचार्ज आता है वो करना होगा। करने के बाद आप लोगों को एक महीने का रिचार्ज मिलेगा 28 डेज़ के लिए और 500 MB करके पर डे डेटा मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, इसका मोबाइल का प्राइस है 999। अगर आप लोग मेरे से ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके वहाँ पर भेज दूँगा कुरियर करके। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग कॉन्टैक्ट कैसे सेव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए बहुत ही आसान है। आप लोग कॉन्टैक्ट में जाकर जो है यहाँ पर सर्च मतलब ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं, सिम हो या फ़ोन हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर मैंने यहाँ पर डायल कर दिया, कल कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन में क्लिक करूंगा। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल हो जाएगा, सेंड मैसेज करना चाहते हैं तो सेंड मैसेज होगा, और अगर एडिट ऐड टू कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर फ़ोन हो या फिर सिम हो, आप लोग कहीं पर भी जो है सेव कर सकते हैं। तो फ़ोन में हो या सिम में हो, आप लोग कहीं पर भी सेव कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल सिम कार्ड में सेव करके दिखा रहा हूँ। और गाइस, यहाँ से आप लोगों को जो है आप लोग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जो सेव करने का है। तो आप लोगों को ये जो ABC है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है, वो लोग जो यहाँ पर आकर जो है अटक जाता है, वो लोग जो है नाम सेव नहीं कर पाता। तो क्या है, आप लोगों को हैश को क्लिक करके ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज का पहले जो है ऐसा रहता है, तो आप लोग कोई भी लैंग्वेज क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को जो यहाँ से सिलेक्ट करके ये वाला हैश वाला बटन को प्रेस करते हुए आप लोगों को ABC ऐसा लिखा हुआ आएगा, तब जाकर जो है आप लोग कोई भी सा भी नाम जो है अच्छे तरीके से सेव कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं JD JPJ, आप जो भी नाम में सेव करना चाहते हैं तो वो सेव हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेव हो गया। तो मैं अभी जो कॉन्टैक्ट में जाकर दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर पाएंगे। तो गाइस, अभी फिलहाल बात करते हैं यूट्यूब की। तो गाइस, आप लोग को इस मोबाइल में जो है यूट्यूब बिल्कुल भी चला नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग गाइस इस पे जो है फेसबुक कर सकते हैं। तो फेसबुक करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार यूट्यूब को प्ले करके दिखाता हूँ। यूट्यूब यहाँ पर प्ले नहीं होता है गाइस। तो गाइस, यहाँ से आप लोगों को फिर से जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप लोगों को यूट्यूब सिलेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देना है YouTube और आप लोगों को डन में सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों का YouTube खोल जाएगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं गाइस, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया है YouTube। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यूट्यूब आ जाएगा। आप लोग देख लेना, थोड़ा देर वेट कीजिए। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कोई भी जो वीडियो आप लोग यहाँ पर प्ले नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर पोस्टर में आप लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्ले नहीं होता है गाइस। लेकिन गाइस, यहाँ पर आप लोग फेसबुक चला सकते हैं। तो आप लोग बैक चलाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फेसबुक का ऑप्शन। तो अगर फेसबुक में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो अगर ID है तो आप लोग ID से लॉग इन कर सकते हैं। अगर ID नहीं है तो आप लोग ID बनाना पड़ेगा। ID बनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक ईजिली कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पर फोटोज अपलोड कर सकते हैं। अगर फीलिंग शेयर करना है, फीलिंग शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर
सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देख सकते यहाँ पर न्यूज़, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह, फोटोज़ अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग रिएक्ट भी दे सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर लाफ का रिएक्ट, तो वो भी दे सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है 44 नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्ट दे सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर आप लोग फेसबुक कर पाएंगे। और गाइस एक बात बता दे, अगर आप लोग यहाँ से जियो सावन देखना चाहते हैं और अगर जियो पे करना चाहते हैं तो जियो पे, या फिर यहाँ से आप लोग अगर जियो सावन सुनना चाहते हैं सॉन्ग वगैरह तो सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो एक आप लोगों को एक सॉन्ग सुना देता हूँ यहाँ से, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है। और इसके जो हाईएस्ट साउंड है इसके अगर इसके ऊपर नहीं दे सकते तो गाइस ऑडियो भी बहुत ही अच्छा है। बाकी 1000 रुपीज़ में इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ और बेटर नहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसमें जो है आप लोगों को यूट्यूब देखने को नहीं मिलता, इसमें आप लोगों को व्हाट्सएप देखने को नहीं मिलता। और गाइस यहाँ पर आप लोग जो है मतलब बहुत सारा फीचर्स नहीं दिया गया है, जैसे कि वीडियो कॉल भी यहाँ पर आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो 1000 रुपीज़ में पहले जो 700 रुपीज़ में या फिर 1900 रुपीज़ में, 2000 रुपीज़ में आप लोगों को जियो फोन देखने को मिलता था, ये जो पूरा जो है अलग है। तो गाइस अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इस मोबाइल को ले सकते हैं 1000 रुपीज़ में। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये मतलब मोबाइल नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।